हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी एग्ज़ाम दो पूरे इंडिया में, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ इसमें से एक सवाल रहते ही रहते हैं। और इसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे आज अपने इस लेक्चर में, ताकि आपका प्रिपरेशन उस लेवल का हो कि आपके कहीं भी किसी तरीके से सवाल पूछे जाएँ वो आपसे ना छूटे। तो सबसे जरूरी चीज़ है कॉन्सेप्ट समझिए, इसे क्यों हुआ, कौन कौन से रोग इससे रिलेटेड थे और कहाँ से सवाल हर साल पूछे जाते हैं। और जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम बस उन्हीं पे फोकस रखेंगे, क्योंकि बाकी की फालतू चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी में किसी भी तरीके का डेविएशन हो। तो चलिए, सबसे पहला जो इस चैप्टर का नाम देखते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इस चैप्टर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, इसको शुरुआत करने से पहले सबसे पहले इसका कारण जानेंगे। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ लगभग 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनके बाद से कई सारे बदलाव देखे गए सामाजिक और धार्मिक स्तर पर। सबसे पहले तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है क्रिश्चियनिटी को जो बढ़ावा दिया जाने लगा। भारतीय समाज में कई तरह की कुरीतियाँ थीं, कुरीतियों में जैसे कि चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, बच्चों को गर्भ में ही मार देना या फिर छोटे बहुत ही कम उम्र में उनकी हत्या कर देना, तमाम सारी मुश्किलें औरतों के साथ होती थी, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। और उन सती जो एक बहुत बड़ा धब्बा था, कलंक था हमारे समाज पर, उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार हमारे समाज में था। तो इन सब के बीच में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। आधुनिक भारत की अगर बात करें तो ये आंदोलन क्यों शुरू हुए, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इन सब सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कास्ट सिस्टम, कास्ट रिजिडिटीज जिन्हें इंग्लिश में मैं कहूँ, वो इतने ज़्यादा थे भारत में कि उसकी वजह से अंग्रेजों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया और बहुत लूटा। तो ये सब रीज़न थे कि भारत में पुनर्जागरण जो है शुरू किया गया। कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम मैं यहाँ लिखा हूँ, इन नाम के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और क्या क्या हुआ, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है सब मैं बताऊँगा। आपने कारण समझ लिया कि क्या क्या रीज़न थे, स्त्रियों की दशा कैसी थी, कास्ट सिस्टम, जो अनटचेबल्स थे, जो अछूत थे, उनकी क्या स्थिति थी, इन सब चीज़ों को, धर्म में जो कर्मकांड थे, पंडितों की जो बोलबाला था और बहुत तरीके से दुष्कार्य किए जाते थे, उन सबको ख़त्म करने के लिए कुछ नए लोगों का अवतरण हुआ, जिसमें पहला नाम जो है वो है राजा राम मोहन राय। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय से कुछ जरूरियात सवाल पूछे जाते हैं, उसको मैंने यहाँ लिखा है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, ठीक है। तो आप इसे याद रखोगे, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय। फिर आती है बात राष्ट्रवाद का पैगंबर, इन्हें भी द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं, राजा राम मोहन राय को। मैंने दो लोकोक्तियाँ ऊपर लिखी हैं, दो नीचे लिखे हैं मैंने। दो नीचे जो है उसमें जो है इन्हें कहा जाता है प्रथम आधुनिक पुरुष और आधुनिक भारत का पिता। प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठे और इन सब सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को एक जगह नोट कर लें, क्योंकि ये मैंने बहुत ही जगह से रिसर्च करके और नोट करके तब आपके लिए बनाया है। और बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, अगर आप एक बार ये पढ़ के चले जाओगे तो आपकी जो है ऑटोमेटिक एग्जाम बहुत ही अच्छी जाएगी। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, राष्ट्रवाद का पैगंबर, चार नाम इनके लिए उपयुक्त हैं और इन्हें आप जानते हैं भलीभांति। अब इनके नाम में ये राजा लगा है। दोस्तों, इनके नाम में राजा नाम पहले से नहीं लगा था, आपको मैं बता दूं, ये राजा इनको उपाधि दी गई है किसके द्वारा, ये उपाधि दी गई है अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय जो थे मुगल बादशाह, इनके द्वारा ये उपाधि इन्हें दी गई है राजा की। पहले इनका नाम था राम मोहन रॉय। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, इन्होंने क्या किया और कैसे किया इसके पीछे देखते हैं। ये जो थे वेस्टर्न शिक्षा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, इनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई है वे वेस्टर्न शिक्षा के तहत ही हुई, और इन्होंने समाज में हो रहे बुराइयों का और धर्म के खिलाफ जो धर्म में चेंजेस की ज़रूरत थी उनकी बात की, और बात करने के बाद इन्होंने सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया बहुत ही कम उम्र में, वो था 1814 में आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने सबसे पहला की, और यूं कहें भारत का ये पहला सामाजिक एवं धार्मिक सुधार संस्थान था आत्मीय सभा। तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय,
कब किया गया था, तो 1814 में। देखिए इसको इस क्रम से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। इधर उधर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसमें मैंने 3-4 महापुरुषों के नाम लिखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके अगले पार्ट जो आएंगे उसमें और मैं ऐड करूंगा। तो ये जो है आत्मीय सभा 1814 में। फिर आता है ब्रह्म समाज। ये पता है ब्रह्म सभा इसका नाम था, 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसमें ब्रह्म सभा का ही अगला नाम जो है वो क्या है, ब्रह्म समाज है। आप चीज इसमें क्लियर कर लो, इसके प्रयासों से ही, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती एक्ट लाया गया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो आप ये चीज ध्यान रखो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती एक्ट को लाया गया, और सती प्रथा के अंत करने के लिए ये लाया गया। तो ये सारे फैक्ट्स आप प्लीज नोट डाउन कर लो, और मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। सती एक्ट 1829 में आ गया, उसके बाद अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा ब्रिस्टल अपनी पेंशन को बढ़वाने हेतु बात करने के लिए, और वहीं पे ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई 1833 में। तो ये सवाल पूछा जाता है कि किसकी मृत्यु, किस महापुरुष की मृत्यु, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस कहते हैं, भारत के बाहर हुई, तो यही थे इंग्लैंड में इनकी एक तरीके से कब्र है, टॉम्ब है ब्रिस्टल में। तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो है सबसे मुख्य बात है, राजा राम मोहन राय ने इन संस्थानों की स्थापना कर दी। इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इन्होंने दो पेपर निकाला था, सबद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी भी आप कह सकते हैं, बट इसका ओरिजिनल नाम था सबद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये दोनों बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। आप कोई भी एग्जाम दो, सारे वनडे एग्जाम्स में इनसे सवाल निकलते ही निकलते हैं। तो आपको अगर ये पता होगा तो आप लिख लो संवाद कौमुदी और देवेंद्रनाथ टैगोर और मिरातुल अखबार। अब बात करेंगे हम लोग देवेंद्रनाथ टैगोर की, बस इसके पहले मिरातुल अखबार शब्द का मोदी आप लोग नोट कर लो। द नेक्स्ट फेज इज, इस हम लोग ये देखेंगे कि जो इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा नाम था पहले, लेकिन ब्रह्म समाज जब इसका नाम हुआ तो इसके प्रचार प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक सभा बनाया 1839 ईस्वी में। ये राजा राम मोहन राय से बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित थे, और उन्होंने एक सभा बनाया। उस सभा का नाम क्या था, उस सभा का नाम था तत्वबोधिनी सभा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा इन्होंने राजा राम मोहन राय की संस्था का प्रचार प्रसार करने के लिए बताया, और उन्होंने पत्रिका का भी नाम तत्वबोधिनी पत्रिका भी रखा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप दोनों ये सवाल पूछे गए हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिताश्री थे, और इन्होंने ये संस्था बनाया। अब क्या होता है कि इनसे बहुत प्रभावित होके 1842 ईस्वी में ये ब्रह्म समाज के हेड बन जाते हैं 1842 में, और काफी अधिक प्रचार प्रसार होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी देखभाल वो करते हैं। तत्पश्चात कुछ समय बाद केशव चंद्र सेन, जिसे आप जानते होंगे, इन्हें बंगाल में बहुत ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, केशव चंद्र सेन ने 1858 में इस ब्रह्म समाज की जो है बागडोर संभाली, और उन्होंने, आप देख सकते हो 1865 में जब ये ब्रह्म समाज की बागडोर ये संभालते हैं, तो इनके विचार काफी लोकप्रिय थे और काफी प्रभावकारी थे। इन्होंने ब्रह्म समाज में काफी सारे बदलाव लाए, और जैसे कि बहुत तरीके से एकदम रेडिकल नेचर के थे, रेडिकल मतलब आमूल परिवर्तनवादी, हर तरीके से चाहते थे कि चीजों को बदल दिया जाए। तो इस तरीके से केशव चंद्र सेन जो है वो आते हैं 1858 में, और 1866 में इनके विचार जो है सबको रास नहीं आते हैं, और इनके अपने रेडिकल विचारों की वजह से, परिवर्तनवादी विचारों की वजह से, जो चाहते थे हर तरीके से इस संस्था को बदल दिया जाए, इस संस्था में फूट पड़ता है, और 1866 में ये संस्था दो भागों में बट जाती है। जो केशव चंद्र सेन की संस्था है उसकी नाम हो जाती है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। आप यहां भी देख सकते हो मैंने लिखा है 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया जाता है। तो यहां मेन चीज ये है देखने वाली कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया गया किसके द्वारा, तो 1866 केशव चंद्र सेन, ठीक है। आप इसको प्लीज अपने कॉपी में नोट कर लो। फिर ऐसा अब सही चलने लगता है, केशव चंद्र के समर्थक जो है वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया चलाने लगते हैं। लेकिन तत्पश्चात 1878 में ये चूंकि जिस चीज का सपोर्ट करते थे उसी के अगेंस्ट में इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया,
जैसे कि इन्होंने अपनी 13 वर्षीय बेटी का शादी एक 78 वर्ष के वर्ष के कूच बिहार के शासक थे उनसे उन्होंने शादी कर दी। ये खुद चाइल्ड मैरिज का विरोध करते थे और इसके बावजूद उन्होंने ऐसा कर दिया। तो इनके समर्थक जो थे उन्होंने फिर 1878 में इनसे अलग हो गए और इनके समर्थकों में दो नाम जो है आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। ये दो लोगों का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आनंद मोहन बोस ने और भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, तो शिवनाथ शास्त्री इन्होंने एक अलग से फिर से इस ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया टूटा और साधारण ब्रह्म समाज बना। तो आप समझ लीजिए ये तीन भागों में बटा, साधारण ब्रह्म समाज का निर्माण हुआ इससे। अब बात करते हैं पूरे डीपली कि ये मैटर क्या था। जब केशव चंद्र सेन ने लिया तो उन्होंने अपनी मनमानियां शुरू की, कई तरीके के बदलाव और भी लाए जिससे पहले उनका संस्था तो टूटा ही था, इनमें भी खुद टूटा, तो ये बना जो है साधारण ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज जो है यहाँ से अच्छे से चलने लगा और अलग अलग ब्रांचेज लेकिन इसके हो गए, तो ये आप समझ सकते हैं। इतने सवाल यहाँ से निकल के आते हैं। अब बात करेंगे जब राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने किस किस चीज पे जोर दिया और उन्होंने क्या क्या बातें की। तो उन्होंने सबसे पहले एकेश्वरवाद का पक्ष लिया था। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का पक्ष लिया था। देखिए दोस्तों, एक तरीके के हम लोग बात सीख लिए, अब हम लोग बाकी फैक्ट्स को देख सकते हैं कि उन्होंने किस किस चीज का विरोध किया और क्या क्या किया। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो फैक्ट है उन्होंने ध्यान दिया था वो था एकेश्वरवाद, किसी एक जो है ईश्वर की पूजा की जाए, सारे ईश्वर पूजे के लायक नहीं है और बहुत सारे इसमें पंडितों ने भ्रम फैलाया था, तो इन्होंने जो है एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। उसके बाद मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है। तीसरा है वेद और उपनिषद पर जोर, ठीक है, आप समझ लो एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध, वेद और उपनिषद पे जोर दिया। साथ ही साथ हिंदू समाज में जो कुरीतियां जो भी थी जैसे कि सती प्रथा था और भी जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड थी, बच्चों का अगर बेटियों का जन्म हो जाता था वो बहुत ही अशुभ माना जाता था, इन सब के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और कई सारे चेंजेस लाए। तो ये इनकी मुख्य बातें थी, इन्होंने इन सेक्टर्स पे काम किया। अब बात करेंगे हम इनके कुछ विजन की। ये इंटरनेशनल विजन के आदमी थे, इन्होंने कई सारे विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ होते थे उसका उन्होंने विरोधियों का साथ दिया था और अंग्रेजों के कई पॉलिसी जो टैक्स रेवेन्यू सिस्टम थे उसका इन्होंने विरोध किया। तो ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। सिर्फ इनके पर्सनैलिटी के बारे में जरूर याद रखिए, ये 12 से अधिक भाषा के जानकार थे, उर्दू हिंदी और जो है मतलब कई तरीके की भाषा, हिब्रू जानते थे, संस्कृत जानते थे, लैटिन जानते थे, बहुत तरीके की भाषा। तो ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ये 4 भाषा में डेली न्यूज़पेपर छापते थे, ये इतने बड़े विद्वान थे और इन्हें अगर बोला जाता था तो और भी भाषाओं में ये इन्होंने प्रिंट कर देते थे। इनकी 2 बुक जो है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा गया है, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट 1809 में छपी थी और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, क्योंकि ये इंग्लिश में छपी थी इसलिए मैंने इसका नाम लिखा है, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट जो है 1809 में छपी थी और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है 1820 में छपी थी। अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हो तो ये सारे चैप्टर सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है और ये दोनों बुक्स जरूर याद रखिए कब छपा था, ये भी ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं जब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया तो इन्होंने हिंदू समाज पे काफ़ी कुठाराघात किया और हिंदू समाज के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो इनसे काफ़ी बैर करते थे। तो उन्होंने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, उसका नाम था धर्म सभा। धर्म सभा जो था राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज को का विरोध करने के लिए बनाया गया था। तो उसका नाम क्या था, नाम तो था धर्म सभा लेकिन ये इसके विरोध के लिए बनाया गया था। तो ये बनाया गया राधाकांत देव द्वारा। अब बात करते हैं, हमने केशव चंद्र सेन को देख लिया, केशव चंद्र सेन के द्वारा एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उसकी एक जो पत्रिका आती थी उसका नाम था इंडियन मिरर। तो केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और जो है
राजा राम मोहन राय, इन सब चीजों को हमने देख लिया। ये बहुत ही मेजर फैक्ट से सबसे ज्यादा सवाल इसमें से पूछे गए हैं। जो बाकी बच रहा है चैप्टर उसको हम लोग पार्ट टू पार्ट थ्री में करके देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये आपको अच्छा लगा और लगा होगा, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और प्लीज कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।